राजधानी भोपाल में दो दिवसीय गुलाब प्रदर्शनी का आगाज हो चुका है, जहां प्रदेश भर के अलग अलग शहरों से गुलाब की सैकड़ों प्रजातियां आई हैं। भोपालवासी आज पहले दिन गुलाब की खूबसूरती का दीदार करने पहुंचे। 2 साल के लंबे इंतजार के बाद इस प्रदर्शनी को लगाया गया और फोटोग्राफ वाले लोग यहां पर पहुंचे। गुलाब प्रदर्शनी का जायजा लिया हमारी सहयोगी ऋतु सिंह ने। वैसे तो सभी फूल बेहद ही खूबसूरत होते हैं, लेकिन जब गुलाब की बात आती है तो इसकी खूबसूरती की बात ही कुछ और होती है। जी हाँ, इस वक्त मैं पहुंची हूँ राजधानी भोपाल की गुलाब प्रदर्शनी में। 42वां साल इस वक्त है। सबसे पहले ये तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूंगी। देखिए, गुलाब के फूलों की अगर बात की जाए तो इसके अलग अलग रंग अलग अलग रिश्तों को अलग अलग भाव को अपने में समेटे हुए होते हैं। जब बात आती है लाल रंग के गुलाब की तो कहा जाता है कि ये मोहब्बत का पैगाम देता है। जब पीले रंग की बात आती है तो दोस्ती का जिक्र होता है। तो वहीं सफेद रंग की जब बात आती है तो शांति का पैगाम ये गुलाब का फूल देता है। तो चलिए, ये तो हमने गुलाब के बारे में जाना। इस प्रदर्शनी के बारे में ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ गुलाब के जो एक्सपर्टीज रखते हैं शैलेंद्र जी, हमारे साथ उनसे बातचीत करते हैं। सबसे पहले तो सर, मैं ये जानना चाहूंगी कि इस बार प्रदर्शनी में क्या कुछ खास है। 3 साल बाद ये प्रदर्शनी वापस लगाई गई है कोरोना के बाद। तो जो फूलों में गमलों की बाहर आप देख रहे हैं, यही इसकी खासियत है। हर गमले में कम से कम 5 से 6 गुलाब दिख रहे हैं, जो भोपाल के ठंडे मौसम को इंगित करता है। फूलों को, गुलाब के फूलों को ठंड बहुत आवश्यक है, जिससे कि ये खूब फूलते हैं और अपनी पूरी रंग बिखेरते हैं। शैलेंद्र जी से ये भी जानते हैं, क्योंकि हर साल यहाँ पर ढेरों प्रजातियाँ थी, इस बार की अगर बात की जाए तो कितनी प्रजातियाँ आई हैं? इस बार गमलों में करीब करीब 350 प्रजाति आई हैं और 500 गमले आए हैं। ये गमले शासकीय और व्यक्तिगत कलेक्शन से आए हुए हैं, जिनकी प्रतियोगिता यहाँ रखी गई है। सर, मैं जितना देख पा रही हूँ कि यहाँ पर बहुत ही ज्यादा भीड़ है, और देखिए अभी शुरुआत भी होने वाली है। रिस्पांस की बात की जाए तो हर बार के मुकाबले देखा जाए तो कितना रिस्पांस इस बार देख रहे हैं? इस बार 3 साल के इंतजार के बाद लोगों का रिस्पांस बहुत दिख रहा है। बिल्कुल, भोपाल वासियों की बात की जाए तो इस प्रदर्शनी का सभी को बड़ी ही बेसब्री के साथ इंतजार होता है। और यही बात होती है कि आप मेरे पीछे देखेंगे तो बहुत सारे लोग आपको नजर आएंगे जो यहाँ पर गमलों में खिलते हुए गुलाब है उनकी जो खुशबू है उसको महसूस कर रहे हैं। कुछ लोग यहाँ पर फोटोग्राफी के लिए भी पहुंच रहे हैं, क्योंकि देखिए फूलों की फोटोग्राफी की बात की जाए तो इसका भी एक अलग ही मजा होता है। सर, आप फोटोग्राफी कर रहे हैं, किस तरह के फूल आपको पसंद आ रहा है जिसकी आप फोटोग्राफी कर रहे हैं? जो सबसे हटके और अलग दिख रहा है, इसका कलर कॉम्बिनेशन बहुत अलग है, शेड्स अलग आ रहे हैं। इस गुलाब प्रदर्शनी में रखे हजारों गमले के फूल में ये खिलते हुए गुलाब के फूल की खूबसूरती की अगर बात की जाए तो इसका वाकई में कोई जवाब नहीं। यही वजह होती है कि इस गुलाब प्रदर्शनी का लोग सालों इंतजार करते हैं कि कब ये प्रदर्शनी आए और वो यहाँ पर पहुंचकर गुलाब के फूलों की खूबसूरती को बेहद करीब से निहारे। कैमरा पर्सन अश्विनी सिंह के साथ ऋतु सिंह, बंसल न्यूज, भोपाल।